आज़ादी के बाद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी कल्पना किसी ने भी आज तक नहीं की होगी। ये दौर था कोरोना का, जिसमें कि सभी लोग जो है बंद हो गए अपने घर में ही, लोग कहीं भी नहीं जा सकते थे। लेकिन 2021 आते आते जो कोविड रिपोर्ट को कंपल्सरी कर दिया, अगर किसी को जो दूसरे स्टेट जाना है तो उसको जो है कोविड रिपोर्ट दिखानी होगी। 2022 को जो मैक्सिमम लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है, लोगों को उम्मीद थी कि 2022 आते आते जो है कोविड केसेस कम हो जाएंगे, लेकिन 2022 की जनवरी में ही जो है कोविड के केस अचानक से बढ़ने लगे। हिमाचल एक टूरिज्म स्टेट है और यहाँ पे हर साल जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या जो है फरवरी में हिमाचल में लॉकडाउन लग सकता है। तो अगर मैं सच कहूँ, जिस हिसाब से केसेस आ रहे थे उस हिसाब से मुझे भी लग रहा था कि जो है हिमाचल में फरवरी तक लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन आज जो है हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें जो है कोविड की नई गाइडलाइंस जारी की गई, जिससे कि ये क्लियर हो गया कि हिमाचल में कोई भी लॉकडाउन नहीं लगने वाला। और साथ ही में जो पहले कुछ गाइडलाइंस थी हिमाचल के लिए वो जो है अभी ख़त्म कर दी। अब जो है शनिवार और रविवार को भी जो दुकानें खुली रहेगी। अगर जनवरी की बात करूँ तो जनवरी में जो है 5-day week ही था। इसके अलावा मैं बात करूँ तो स्कूल कॉलेज भी जो है 3 फरवरी से खुल जाएंगे। तो अगर बात करूँ नाइट कर्फ्यू की, तो नाइट कर्फ्यू फरवरी में भी रहेगा, तो शाम के 10 बजे से लेकर जो है सुबह के 6 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा। अगर बात करूँ मैं कोविड रिपोर्ट की, तो कोविड रिपोर्ट तो वैसे तो जो है ज़रूरी नहीं है। जो भी टूरिस्ट जो हिमाचल घूमने के लिए आ रहे हैं वो जो बिना कोविड रिपोर्ट के ही आ रहे हैं। हालांकि हिमाचल सरकार का कहना है कि कोविड रिपोर्ट लाना ज़रूरी है, लेकिन जो है चेकिंग कहीं पे भी नहीं हो रही है, तो मैक्सिमम लोग जो है बिना कोविड रिपोर्ट के ही आ रहे हैं। और अगर आपका डबल वैक्सीनेशन हो चुका है फिर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, आप जो आराम से आ सकते हो, आपको किसी ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है तो जल्दी जल्दी वैक्सीन लगवाएं, ताकि जो है आप बिना किसी रोक टोक के आ सकें। तो बाकी आपको जो है कोविड गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा, जैसा कि आपको जो मास्क पहनना पड़ेगा और जो है भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से ज़रूर बचें। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।